हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम लॉस स्प्रिंग, जो फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर है, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। ये लेसन लिखा हुआ है अनीश जंग का, जो राउरकेला से बिलोंग करती है। इस लेसन में हमने एक्सप्लेनेशन में जैसा पढ़ा था, फर्स्ट स्टोरी जो थी वो साहिब की थी। टाइटल था आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। और सेकेंड जो स्टोरी थी वो थी मुकेश की, जिसका टाइटल था आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। पहली स्टोरी बिलोंग करती है साहिब से। साहिब बांग्लादेश से आया है किसी समय और अब दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी में रहते हैं। वो कूड़ा बीनने का काम करता है। उससे संबंधित पेज नंबर 17 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 उनके आंसर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। देखते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। साहिब गार्बेज डंप्स में क्या ढूंढ रहा है, कूड़े के कचरे के ढेर में साहिब क्या ढूंढ रहा है। तो देखो इसमें 2-3 शब्द लगाए इसके लिए। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड ढूंढ रहा है। यहां पे आप मनी भी लिख सकते हो, यहां पे आप रूपी भी लिख सकते हो। साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में एड किया हुआ है, वेयर इज ही इज इन सीमापुरी दिल्ली। वह सीमापुरी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऐड है, वेयर हैज ही कम फ्रॉम, वह कहां से आया। ही हैज कम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश। साहिब जो है वो गोल्ड ढूंढ रहा है गार्बेज के ढेर में। वह सीमापुरी दिल्ली में रहता है और वह ढाका बांग्लादेश से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, What explanations does the author offer for the children not wearing footwear? बच्चे जो चप्पल नहीं पहने हुए हैं, बच्चे जो जूते नहीं पहने हुए हैं, उसके लिए राइटर क्या एक्सप्लेनेशन देती है, अथर क्या एक्सप्लेनेशन देती है। देखो ज़्यादातर लोगों से यदि पूछा जाए तो वो कहते हैं कि इनमें एक ट्रेडिशन है, ये लोग जूते चप्पल नहीं पहनते, परंपरा है। लेकिन लेखिका कहती है कि परपेचुअल जो स्टेट है ना पॉवर्टी की, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो क्या लिखा है, मोस्ट पीपल थिंक, ज्यादातर लोग सोचते हैं दैट इट इज ए ट्रेडिशन, की एक परंपरा है टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैरों रहने की। बट द अथर कंसिडर्स, परंतु लेखिका मानती है, कंसिडर्स मानती है परपेचुअल लगातार बनी रहने वाली स्टेट दशा को और पॉवर्टी गरीबी की एज द मेन रीजन, इसके मुख्य कारण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहिब टी स्टॉल पर कार्य करते हुए प्रसन्न है, हैप्पी है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है, इसको हमें बताना है। अब देखो साहिब को 800 रुपये दिए जाते हैं, साहिब को 800 रुपये दिए जाते हैं। साहिब दुकान पे काम करता है, उसको फुल मील दिया जाता है, परंतु वहाँ पर काम करके वो खुश नहीं है, क्योंकि वो वहाँ अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। ये इसमें लिखा है, नो ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, नहीं साहिब प्रसन्न नहीं है उस टी स्टॉल पर काम करते हुए। बिकॉज ही इज नो मोर द मास्टर ऑफ हिज ऑन, क्योंकि वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। ही इज ए सर्वेंट, वह एक नौकर है। ये तो थे साहिब से रिलेटेड 3 क्वेश्चन जो पेज नंबर 7 पे दिए हुए थे। क्वेश्चंस आप अपनी बुक से लिख लेना, आंसर्स मैंने आपको यहां पे बता दिए। अब नेक्स्ट जो स्टोरी है मुकेश वाली, जो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है, जो बैंगल मेकिंग का काम करता है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 20 पे हैं, उनके आंसर्स अपन कर रहे हैं। क्वेश्चंस आप अपनी बुक से देख लेना पेज नंबर 20 पे। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 20, देखो, What makes the city of फिरोजाबाद famous? फिरोजाबाद जो शहर है वो famous क्यों है, क्या चीज फिरोजाबाद शहर को famous बनाती है। देखो एक तो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का ना सेंटर है, और दूसरा वहां पे अनेकों बैंगल्स हैं, अनेकों कलर की, वो उसे famous बनाती है। यही हमने आंसर में लिखा है, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, चूड़ियां बनाने वाला उद्योग एंड ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स, और सुंदर कांच की चूड़ियां ऑफ ऑल कलर्स, सारे रंगों की, मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद शहर को फेमस बनाते हैं। क्वेश्चन सेकंड, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। हैजार्ड्स खतरे, ऐसे कौन से खतरे हैं, क्या दिक्कत है जो हम ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करते हैं उस समय फेस करनी पड़ती हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया भी है, आगे भी आएगा,
देखो कौन से हैजार्ड हैं, कौन से खतरे हैं, हमने इसमें पॉइंट्स बढ़ा दिए। दीज हैजार्ड्स आर, ये खतरे हैं, ये हैजार्ड्स हैं। द वर्कर्स वर्क इन स्मॉल डार्क रूम्स, वर्कर जो हैं वो काम करते हैं छोटे छोटे स्मॉल छोटे डार्क अंधेरे वाले रूम्स कमरों में विदाउट एयर एंड लाइट, वहाँ पर ना तो हवा होती है ना ही प्रकाश आता है। दे लोज देयर आई साइट, वे अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं इवन बिफोर दे बिकम अडल्ट, वे प्रौड बने, वे बड़े बने उससे पहले ही उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। ये हैजार्ड्स हैं ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने की। लास्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली, कि मुकेश का एटीट्यूड, मुकेश का दृष्टिकोण कैसे अपने परिवार से डिफरेंट है, कैसे भिन्न है। देखो उनका परिवार क्या काम करता है, बैंगल मेकिंग का काम करता है। मुकेश क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, इसलिए उसका एटीट्यूड क्या है, डिफरेंट है। देखो आंसर में क्या लिखा है, मुकेश फैमिली बिलीव्स इन डेस्टिनी एंड फेट, मुकेश का परिवार विश्वास करता है भाग्य में। देर प्रोफेशन, देखो डेस्टिनी फेट भाग्य, और फेट डेस्टिनी भाग्य, वो मानते हैं कि भाग्य में जो लिखा हुआ है, जो उनके क्रम में लिखा हुआ है वही उन्हें मिलेगा। देर प्रोफेशन इज बैंगल मेकिंग, उनका कार्य है चूड़ियां बनाने का, उनका प्रोफेशन, उनका व्यवसाय है चूड़ियां बनाना। बट मुकेश वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, परंतु मुकेश कुछ अलग करना चाहता है। ही वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन जो इस लेसन के बुक में दिए गए थे वो हमने कर लिए हैं। इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखने के लिए, इसका लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम आगे वाला वीडियो देखेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।